अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब लोग ठीक हैं और अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सॉरी गाइस, मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन आप लोगों को बोला था ना कि शादियों का सीज़न है, तो बहुत ज़्यादा मसरूफियात चल रही हैं। मेरी खुद की शादी है भाई, तो मसरूफियात तो होंगी ना, तो मैंने सोचा क्यों ना आज अपनी बहनों के साथ मैं अफोर्डेबल ब्राइडल बॉक्स की वीडियो शेयर कर दूँ। तो ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शुक्रिया। तो गाइस, ये मैंने ब्राइडल बॉक्स लिया है, ये मैंने 3000 का लिया है। तो ये मैंने ना ट्रांसपेरेंट लेना था, लेकिन यार उसमें पता है क्या मसला है, उसमें हर एक चीज़ दिखाई देती है, तो मुझे ये वाला बहुत अच्छा लगा और मुझे इसका ना कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। ये वाला कलर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये वीडियो शेयर कर दी जाए अफोर्डेबल ब्राइडल बॉक्स की। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ इसकी वीडियो शेयर करूं, उसके बाद बाकी बातें करूंगी। तो गाइस, इसी से मज़े की चीज़ ये कि यहाँ पे ये लॉक होता है और बहुत मज़ेदार है कि ना कोई आपके बिना परमिशन से इसे खोल भी नहीं सकता। फ़िलहाल तो मैंने इसकी की साइड में रखी हुई है क्योंकि अभी तक ये कम्प्लीट नहीं हुआ, तो जब ये कम्प्लीट हो जाएगा तो मैं इसे लॉक कर लूँगी। अल्लाह, मैंने चीज़ें इसमें कैसे फेंकी हुई हैं। तो आ जाते हैं सबसे पहले ऊपर, तो ऊपर वाले पोर्शन में ज्वेलरी है, ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, जब कंप्लीट होगी तब मैं इसकी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आ जाते हैं इस साइड पे, तो जो मेरी मोस्ट फेवरेट चीज़ है, यार मेरे नेल्स बड़े होते ही नहीं है, मैं जो कुछ मर्ज़ी कर लूँ, जितनी रेमेडीज़ यूज़ कर लूँ, मेरे नेल्स बड़े होने वाले हैं ही नहीं। तो ये मेरी फेवरेट चीज़ है, एक मैंने ये ली है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में, ठीक है, ज़्यादा कोई महंगी चीज़ें मैंने नहीं ली। तो आप लोगों को पता है मैं आप लोगों को हमेशा अफोर्डेबल चीज़ें ही शेयर करती हूँ, तो ये आपको पता है ये पिन कितनी ज़रूरी है, ये तो हर ब्राइडल बॉक्स में लाजमी होना चाहिए, नेल्स भी और ये भी। और ये है पफ, हम जब क्लींसिंग वगैरह करते हैं तो हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, तो इसे भी साइड में करते हैं। तो अपनी चीज़ों का रिव्यू शुरू करते हैं। तो ये मैं फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ, मैंने उस दिन आप लोगों को बताया था ना कि मैं फेयर एंड लवली के फेस वॉश के अलावा और कोई फेस वॉश यूज़ नहीं करती, ये मेरा फेवरेट है और ये मैंने अपनी ब्राइडल किट में रखा है। और उसके बाद आ जाते हैं ये ब्रश है, मैं ये बाद में बताऊँगी कि मैंने किसके साथ लिया है, अभी मेरे बाकी ब्रशेज़ रहते हैं। और उसके बाद आप इसकी प्राइस देख सकते हैं ये कितनी अफोर्डेबल प्राइस में, मैंने ये ब्लीच लिए, जोलन की ब्लीच लिए मैंने, क्योंकि मैंने इसके बहुत ज़्यादा रिव्यूज़ देखे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं एक बार इसे यूज़ करूँ। और ये तो दिखाने वाली चीज़ें हैं ही नहीं, आप लोग देख के समझ गए होंगे कि इतनी इस चीज़ों की भी कितनी ज़्यादा ज़रूरत हमें पड़ती है। तो उसके बाद आ जाते हैं जी, ये है मस्कारा, ये मैंने वाटरप्रूफ लिया और ये भी लोकल मार्केट से मैंने सब चीज़ें बाय की हैं, बहुत अच्छी हैं और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ, आप लोग ब्रांड का नाम देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छा है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है। तो उसके बाद आ जाते हैं आई लाइनर पे, तो ये भी मैंने वाटरप्रूफ लिया और ये बहुत अच्छा है, आप लोग ना ब्रांड का नाम देख लीजिएगा और ये भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, ठीक है, ये दोनों मेरे फेवरेट हैं इसलिए मैंने ये वाले लिए। और उसके बाद आ जाते हैं फाउंडेशन पे, तो जी मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ये बहुत 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 अच्छा है और वाकई ये ना 24 आवर्स रहता है, तो आप लोग इसकी प्राइस देख सकते हैं ये मैंने कितने प्राइस में लिया और ये कितना अच्छा है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ ना, तो मैं वही भी चीज़ें लेकर आई हूँ। इसके अलावा मैं शेफ़र का यूज़ करती हूँ, अगर शेफ़र का नाम मिले तो फिर मैं ये ही यूज़ करती हूँ, इन दोनों के अलावा मैं और कोई फाउंडेशन या कोई भी चीज़ यूज़ शेफ़र की बेस यूज़ करती हूँ और ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, ये मेरा फेवरेट है, ठीक है, नाम आप लोग देख लीजिएगा इस सब के। तो अब चलते हैं, मैंने ना इतना सब कुछ नहीं लिया, आपको पता ना एक टाइम के बाद सब चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, तो नेल पेंट्स की तरफ चलते हैं, बाकी काम भाई वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो मैंने मिस रोज़ की ये वाली नेल पेंट ली है क्योंकि यार ये ना हर ड्रेस के साथ चल जाती है, मुझे ये लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है, तो मैंने ये वाला कलर लिया और साथ में ये और ये तीनों ऐसी वाहिद नेल पेंट है जो हर ड्रेस के साथ चल जाती हैं, हर ड्रेस के साथ, तो मैंने ये वाली ली है और इसी के साथ मैंने ये ग्लोव्स लिए हैं, ये मैट हैं, सॉरी मैट लिपस्टिक्स हैं हुदा ब्यूटी की, मैं हुदा ब्यूटी की ही यूज़ करती हूँ, यार ये क्यों बार बार यार आ रही है यहाँ पे, तुम लोगों की वीडियो बन गई है जाओ। अच्छा तो ये पेंसिल है, हाँ तो मैंने ये लिपस्टिक्स ली हैं और एक मैंने ये ली है, ठीक है,
यार इसका ना कलर बहुत प्यारा लगा है मुझे, लाइट कलर। मुझे आप लोगों को पहले बताया था ना कि मुझे लाइट कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, और मैं जब से ये लेके आई हूँ इसे बार बार यूज़ करी, मुझे इतनी पसंद आ रही है। मैं सोच रही हूँ ये वाली ना मैं 3-4 कलर और ले लूँ, तो मैंने ये वाली लिपस्टिक्स ली हैं, ठीक है, क्योंकि ये मेरे फेवरेट कलर हैं। तो मैं हुदा ब्यूटी की यूज़ करती हूँ, मुझे ये बहुत अच्छी लगती हैं। और उसके बाद आ जाते हैं जी ये तो नेल पेंट रिमूवर, और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया, ये भी लोकल सही है। तो उसके बाद आ जाते हैं रिवाज के फेस पाउडर पे। एक तो मेरी चीज़ें कहीं सेट नहीं हो रही, मैं ये वाला रिवाज का फेस पाउडर यूज़ करती हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट और ये बहुत अच्छा है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। और अब ओपन करके दिखाऊँ आप लोगों को तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, मुझे ये भी डर है ना। तो ये वाला और ये रिवाज के प्रोडक्ट तो भाई बहुत मस्त हैं। मुझे इनका थोड़ा फाउंडेशन नहीं अच्छा लगता, वो मैंने सीधी बात अभी तक यूज़ किया ही नहीं, उसके मैंने रिव्यूज़ देखे हैं पर मैंने वो यूज़ नहीं किया। बाकी ये मेरा फेवरेट है रिवाज का। और इसके बाद आ जाते हैं कंसीलर पे, तो मैं ये वाला मेबलिन वालों का, फिट मी वालों का ये सुपर स्टे कंसीलर यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद आ जाते हैं जी डे क्रीम पे, तो ये नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, डे क्रीम भी, ये बहुत अच्छी कार्नियर की क्रीम। मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाली क्रीम ही अपनी ब्राइडल किट में रखना, ठीक है। और उसके बाद आ जाते हैं सबसे मेन चीज़ है ना, ये हर किसी के ब्राइडल बॉक्स में होनी चाहिए, हर किसी के, ब्राइडल के अलावा भी हर किसी के पास ये होनी चाहिए। तो मैं बात कर रही हूँ माउथ फ्रेशनर की, तो ये लाजमी होना चाहिए, ठीक है, बाकी आप लोग समझ के होंगे। और उसके बाद आ जाते हैं, अभी मेरी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, ये तो मेरे कैचर हैं, वो तो दिखाने वाले कुछ ख़ास हैं नहीं, पर मैंने सोचा कि ये भी आप लोगों को दिखा दूँ, तो मैंने ये 250 के लिए। उसके बाद आ जाते हैं हाय मेरी फेवरेट चीज़ पे, ये आई शेडो पैलेट है, और ये मेरी फेवरेट है, इसके कलर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पिगमेंटेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है, और ये ब्लेंड बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं ये वाली किट ही यूज़ करती हूँ, इसके साथ वाली किट मैंने काफ़ी टाइम यूज़ की है, आप लोग इसके प्राइस देख सकते हैं, ठीक है, ये ज़्यादा कोई महंगी नहीं है, तो इसके कलर बहुत प्यारे हैं। ये मेरा फेवरेट कलर है, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। और उसके बाद इसका ये वाला शिमरी कलर, वाह, ये देखिए, ये मज़ा आ जाता है। तो ये मेरी फेवरेट किट है, और ये अफोर्डेबल प्राइस में है, कोई ज़्यादा प्राइस नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग बार्गेनिंग करेंगे, डिस्काउंट करेंगे, तो इससे भी कम आप लोगों को दुकान वाले कर लेंगे। और मैंने अभी तक बाकी ब्रशेस नहीं लिए, आई शेडो पैलेट के साथ मैंने ये वाला ब्रश लिया है, अभी मेरा काफ़ी सामान रहता है, मैंने मेकअप रिमूवर लेना है, और कुछ काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो मैंने अभी तक नहीं ली, तो जो ली हैं उसकी वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब जैसे जैसे मेरी चीज़ें कम्प्लीट होती जाएंगी, वैसे वैसे मैं आप लोगों के साथ उनकी वीडियो भी शेयर कर दूँगी। ये थी मेरी अफोर्डेबल ब्राइडल किट, बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ें बेस्ट बेस्ट चीज़ें हैं, ठीक है, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। उसके बाद मैंने ये वाली सिंपल सी ज्वेलरी ली है अपने ड्रेस के साथ, अभी मेरी बाकी ज्वेलरी रहती है लहंगे के साथ, मैं अपने ड्रेसेस की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने ये ली है, मैंने रिंग्स ली हैं, मुझे ये दोनों बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने ये ले ली। उसके बाद ये मैंने बाल्टियाँ ली अपने ड्रेसेस के साथ, क्योंकि हर रोज़ आपको पता है ना फैशन चेंज होता है, तो फिर इतनी ज़्यादा ज्वेलरी रखूँगी तो वो पुरानी हो जाएगी। तो उसके बाद मैंने ये वाली चूड़ियाँ ली हैं, मुझे मेहंदी के लिए मैंने लेनी थी, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो इनके साथ क्योंकि घुंघरू अब मैं कैसे दिखाऊँ, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे, तो मैंने ये ले ली। और उसके बाद फ़िलहाल तो यही चीज़ें, अब जैसे बाकी चीज़ें लूँगी तो आप लोगों के साथ उनकी वीडियोज़ भी शेयर कर दूँगी। सो गाइस, ये थी मेरी ब्राइडल किट, अब आप लोग मेरे साथ अपना रिव्यू शेयर कीजिएगा कि आप लोगों को मेरी ब्राइडल किट कैसी लगी, बाकी आप लोगों की चॉइस है, आप लोग जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए।